अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, मेरा नाम है वकार अली और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ बजिस प्लानेट में। आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो स्पिनच के बारे में है। स्पिनच जिसे हम पालक भी कहते हैं, ये पालक कितनी ज़रूरी है परिंदों के लिए, खासकर बजिस के लिए, वो आपको मैं आज बताऊंगा। सो मेरे साथ रहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो पालक है, पालक में पालक सॉफ्ट फूड है। इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम है, हर वो चीज़ है जो परिंदों को चाहिए वो इसमें मौजूद है। सो आपको चाहिए कि ये हफ्ते में दो बार, कम से कम दो बार देनी चाहिए। इससे आपको परिंदों को बहुत फ़ायदा होगा और वो शौक से भी खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पालक आप लाएं जब भी बाज़ार से, तो पालक धो के धूप में सुखाने के लिए रख दें, कम से कम 10-15 मिनट। वो सुखानी क्यों है? वो सुखानी इसके लिए है, वो जो ज़रई मायर होते हैं वो इन पे पालक पे स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे इस वजह से करते हैं ताकि इनको कोई कीड़ा ना लगे, इसलिए स्प्रे थोड़ा हार्मफुल होता है। इसलिए हमको चाहिए कि पालक धोकर सुखा के फिर बजिस को दें। ठीक है, ये मैंने पालक ली है, ये थोड़ी पालक है, मेरे पास भी थोड़े ही बजिस हैं, 3 पेयर हैं, वो उनके लिए ठीक है इतनी। सो मैं इनको काट के आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। सो व्यूअर्स, ये मैंने पालक काट ली है सुखा के, अब मैं ये अपने बजिस को देने लगा हूँ। सो व्यूअर्स, ये मैंने पालक इन बजिस को डाल दी है, इनको बहुत अच्छी लगती है, कुछ ही देर में ये खाना शुरू कर देंगे। ये मेरे बजीज हैं। अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए आपको इनकी बहुत केयर करनी होगी। ये मैंने बल्फ लगाया है ताकि इनको सर्दी से सेव किया जाए। मैंने 4 हंडियाँ लगाई हैं। ये पालक के फवायद थे जो मैंने आपको बताए। पालक जो है सॉफ्ट फूड है, आपको चाहिए सॉफ्ट फूड इनको हर हफ्ते दें। सॉफ्ट फूड में पालक आती है, चावल आते हैं, भुट्टा आता है, ये सॉफ्ट फूड है। ये इनके लिए भी अच्छी है और इनके बेबीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। सो दुआ में याद, शुक्रिया।